बिहार में पिछले 6 साल में ट्रेन पटरी से उतरने की यह तीसरी घटना है। बिहार में पिछले 6 साल में ट्रेन के पटरी से उतरने की यह तीसरी घटना है। 25 जून 2014 को छपरा में डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के 9 डब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसा रात के 10:15 बजे हुआ था। 5 यात्रियों की मौत हो गई थी, वहीं 8 घायल हुए थे। 20 दिसंबर 2015 को कटिहार अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस के 7 डब्बे खगड़िया के पसरा स्टेशन के पास पटरी से उतर गए थे। घटना में यात्रियों को मामूली चोटें आई थी। इससे पहले 28 सितंबर 2011 को किशनगंज जिले में बड़ा रेल हादसा हुआ था। जिले के अलुआ बाड़ी और मांगूजान स्टेशनों के बीच पेट्रोलियम पदार्थों से लदी मालगाड़ी ट्रेन धू धू कर चल उठी थी। 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस कारण पेट्रोल से भरी बोगी में आग लग गई थी। आग लगी हुई ट्रेन पटरी पर दौड़ रही थी। मांगूजान रेलवे स्टेशन से वहां के स्टेशन प्रबंधक ने मालगाड़ी के डिब्बे में आग लगने की सूचना चालक को दी। इसके बाद मालगाड़ी को रोका गया था और बचाव कार्य शुरू हुआ था।